मुंबई में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पिछले 3 साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों से वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी और लोगों के जेब में पैसा बचना शुरू होगा, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है, और वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार घट रही हैं। क्या है वजह, चलिए आपको बताते हैं। आज भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें साल 2014 के बाद सबसे ऊंची स्तर पर पहुंच गई हैं। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की, तो कीमतें 3 साल पहले के मुकाबले आधी रह गई हैं। लेकिन इसका फायदा भारत की आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बड़ा मुद्दा बनाया था और यूपीए सरकार को इस पर जमकर घेरा था। लेकिन आज जब कच्चे तेल की कीमतें लगातार घट रही हैं, तो वहीं विपक्ष ने मोदी को जमकर लताड़ा कि कच्चे तेल की कीमत घट रही है, 50% से घट गई, और तेल के, डीजल के, केरोसिन के दाम आसमान छू रहे हैं। और जो तेल मंत्री हैं, अगर आपको याद होगा, जिस दिन कैबिनेट में फेरबदल हुआ था, तो हमने ये बात कही थी कि उन्होंने कुछ खास आदमियों की सेवा की लगती है, क्योंकि आम आदमियों पे तो सिर्फ बोझ ही डाला है, और ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि ये सरकार आम आदमी को लूटने पर आमादा है। मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट इज रिपिंग द कॉमन मैन, क्योंकि किसी भी, अगर आप आर्थिक परिपेक्ष से देखें, इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जब कच्चे तेल की कीमत गिर रही हो तो भारत के बाजार में आम ग्राहक के ऊपर इस तरह का कमर तोड़ बोझ डाला जाए। तो वहीं जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी, तो पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर मोदी सरकार कुछ इस तरह विपक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती दिखती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 53% तक कम हो गए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बजाय बेतहाशा बढ़ गए हैं। मुंबई में तो पेट्रोल के दाम बुधवार को करीब 80 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। तो आपको बताते हैं कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। दरअसल 3 सालों के दौरान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कई गुना बढ़ा दी है। मोटे अनुमान के अनुसार पेट्रोल पर ड्यूटी 10 रुपये लीटर से बढ़कर करीब 22 रुपये हो गई है। जुलाई से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय पेट्रोल की दर 3 साल के अपने उच्च स्तर पर है। पेट्रोल कीमतों में प्रतिदिन मामूली संशोधन होता है, तो मोदी के किए हुए उन वादों में से ये वादा भी पूरा नजर होता नहीं आ रहा है, और लगता है मोदी का नसीब भारत की आम जनता के लिए कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा है।